Hey guys, welcome to the Simple and Linear Equations part 2. In this part we will be discussing about various questions that come up in simple and linear equations and how to tackle them. So let's start. Okay, so first of all we have question based on ages. So ages ke question mein humko do cheeze yaad rakhni chahiye. Pehli ki difference between the ages of two person is always constant. Do logo ke beech ki age ka difference हमेशा कांस्टेंट रहता है. जैसे कि मेरे जो पापा हैं, जब मैं पैदा हुआ तब भी वो मुझसे लाइक 25-26 इयर्स बड़े थे और आज भी वो मुझसे 26 इयर्स बड़े हैं, राइट? और वो हमेशा मेरे से 26 इयर्स बड़े रहेंगे. सेकंड इज रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सन इज ऑलवेज चेंजेस. सो जैसे कि अगर मैं हूँ और मेरे से 5 साल छोटा मेरा भाई है, मैं था और मेरा भाई था, तो जब मैं 5 का था तब तो वो पैदा ही हुआ था तो इसको तो नहीं देखते. तो जब मैं 6 का था वो 1 का था, तो 6:1, देन 7:2, देन 8:3, देन 9:4, देन 10:5 और 10:5 पर 2:1. तो एक तो ये चेंज हो रहा है और दूसरा लगातार क्या होता जा रहा है. अगर मैं देखूँ इसको तो ये लगातार डिक्रीज होता जा रहा है. तो दो लोगों के बीच के एज के बीच का जो रेशियो होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रेशियो हमेशा डिक्रीज होता जाता है. ये रेशियो 1:1.0001 तो हो सकता है, पर कभी भी 1:1 नहीं होगा. ऑब्वियसली अगर 1:1 हो जाएगा तो दोनों की एज सेम हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर. क्वेश्चन सेज ए सीज टू बी आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर. अब इस क्वेश्चन को पढ़ के, जैसे मैं क्लास में करवाता हूँ ये क्वेश्चन, तो कई लोगों को तो ये क्वेश्चन देख के चक्कर आने लगता है कि यार कैसे क्या होगा, इसका इक्वेशन बनाना काफी मुश्किल होता है. तो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस द क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन एजेस, तो आई सजेस्ट कि तुम एक टेबल बना लो. तो टेबल विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज पास्ट. ओके, अब ये टेबल को भरना शुरू करते हैं. तो ए सीज टू बी आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज यू वर. तो अगर बी पहले एक्स का था तो ए आज आज 3x का है, राइट? आई एम थ्राइस एज ओल्ड एज यू वर. और आगे क्या बोला उसने, व्हेन आई वाज थ्राइस एज ओल्ड एज यू आर. तो अगर बी अभी वाई का है तो ये ट्वाइस एज ओल्ड, तो मतलब ये था 2y का, राइट? ये टेबल बन गई. अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं. हमने क्या देखा था, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ टू पर्सन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो वही यहाँ पे लगा, 3x - y is equal to 2y - x, right? तो 3x plus x हो जाएगा 4x और 2y plus y हो जाएगा 3y. तो I can say x upon y is nothing but 3/4. ठीक है, ये आंसर नहीं आ गया अभी, ये नहीं पूछा था. आंसर क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस. तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी है, ए की प्रेजेंट एज है 3x. अगर x मेरा 3 है तो 3x कितना होगा, 9. और y कितना आया मेरे पास, y आया 4. आ गया 4. तो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या आ गया, 9:4, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो हम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही करने के ट्राई करेंगे. ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, सो 4 इयर्स अगो अंकित एज वाज 4 टाइम्स दैट ऑफ विनोद. तो मेरे पास एक अंकित है, मेरे पास एक कौन है, विनोद, राइट? तो 4 ईयर अगो क्या था, अंकित एज वॉज 4 टाइम्स दैट ऑफ विनोद. तो अगर विनोद की एक्स थी तो अंकित की कितनी, 4x. 3 ईयर हेंस मतलब यहाँ पे प्लस 4 होगा तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, पहले मैं पहुंचूंगा नाउ पे. अब इसमें जब प्लस 3 होगा तो ये 3 हेंस पे है, 3 ईयर हेंस. ये कितना है मेरे पास, यहाँ पे लिख देते हैं. अच्छा, तो कहना है ये टोटल में प्लस 7 हुआ, तो 4x प्लस 7 इसकी हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 7, राइट? ओके, एंड क्वेश्चन ने बोला है तो अंकित इज थ्राइस द एज ऑफ विनोद. अंकित विनोद का 3 गुना है. तो कहना है 4x प्लस 7 विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ x प्लस 7. तो कहना है 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 21. तो x इज इक्वल टू 14. क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड अंकित प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज पूछी है अंकित की. अंकित की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 4x प्लस 4, राइट? आई होप दिस इज क्लियर कि ये 4x प्लस 4 क्यों आई. तो 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 14 प्लस 4, दैट इज नथिंग बट 60,
तो 60 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मेरे पास आते हैं क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन टू डिजिट एंड थ्री डिजिट नंबर, दो डिजिट तीन डिजिट के नंबर्स पे जो बेस्ड होते हैं, राइट। ओके, चलो यहाँ पे एक चीज देखते हैं। अब मैं एक टू डिजिट का नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने लिया 12, तो नंबर का रिवर्स क्या हो जाएगा 21। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, जस्ट द डिफरेंस, मतलब 12 माइनस 21 करो, 21 माइनस 12 करो, मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो कैन आई से द डिफरेंस इज 9। अगर मैं कहूँ मेरे पास है 13 और यहाँ पे आ गया 31, द डिफरेंस इज 18, ठीक है। अगर मैं कहूँ 14, यहाँ पे आ गया 41, द डिफरेंस इज 27, 51 और 15, सो द डिफरेंस इज 36, 61 और 16, द डिफरेंस इज 45, 82 माइनस रिवर्स, इसका रिवर्स हो गया 28, तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया, मेरे पास डिफरेंस आ गया 54, 93 माइनस 39, ठीक है। तो अभी मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया, मेरे पास डिफरेंस फिर से आ गया कितना 54, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये कैसे आ रहे हैं, माइनस कर रहा हूँ मैं सिंपल। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे देखो तो मेरे पास हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, मेरे पास हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है, कैन आई से मेरे पास डिफरेंस जो आ रहा है वो हर बार 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है, और 9 का ये कौन सा मल्टीपल आ रहा है, देखो दिस इज 9 इंटू 1, 9 वन का 9, ये क्यों आया 1, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो वो कितना है 1, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पे आया 9 इंटू 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो 9 इंटू 3, इन दोनों का डिफरेंस 4, 9 इंटू 4, 5, तो 9 इंटू 5, 6, तो 9 इंटू 6, यहाँ पे भी 6 है तो 9 इंटू 6। इसको हम इक्वेशन से भी वैलिडेट कर सकते हैं। मैं एक टू डिजिट नंबर को कैसे लिखता हूँ, जैसे कि मान लो अगर मैं तुम्हें एक नंबर बोलूँ तो उसमें टेंस डिजिट है और एक वंस डिजिट है, राइट। तो मान लो नंबर है 21, तो कैन आई राइट दिस एज 2 इंटू 10 प्लस 1, आई हैव, ये तो बचपन में किया था हमने। तो अगर मान लो एक ऐसी टू डिजिट नंबर है जिसके अंदर डिजिट से मेरे पास x एंड y, कैन आई राइट दिस नंबर एज 10x प्लस y। अब इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 10y प्लस x, इन दोनों को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो कैन आई से ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, ठीक है। अब कितना हो गया ये 9x माइनस 9y और 9 टाइम्स ऑफ x माइनस y, 9 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, राइट। आई होप ये क्लियर है, ये कैसे आ रहा है, चलो आगे देखते हैं और क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वही चल रहा है हमारे पास, तो अब यहाँ पे एक नंबर है, नंबर का रिवर्स है और उनका सम निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, 12 एंड 21 ऐड करूँगा 33, 13 एंड 31 ऐड करूँगा 44, 14 एंड 41 ऐड करूँगा 55, 15 51 ऐड करूँगा 66, 62 एंड 26 इज 88, राइट। और अगर मैं कहूँ 61 प्लस 16 ऐड करूँगा 77, अगर मैं कहूँ 71 प्लस 17 ऐड करूँगा 88 अगेन, ओके। तो यहाँ पे कहना है से मेरे जो नंबर्स आ रहे हैं वो कुछ नहीं आ रहे, 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, राइट। और 11 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, 11 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, इन दोनों को अगर मैं सम कर दूँ तो कितना है 3, तो थर्ड मल्टीपल, दोनों का सम करो फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ मल्टीपल एंड सो ऑन। इसको तुम वापस से इक्वेशन से वैलिडेट कर सकते हो। अगर मैं लिखूँ नंबर मेरा ऐसे है 10x प्लस y, रिवर्स मेरा हो जाएगा 10y प्लस x, अभी बताया कैसे होगा, प्लस करा मैंने दोनों को, कहने से 11x प्लस 11y और नथिंग बट 11 टाइम्स x प्लस y, तो 11 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो डिफरेंस में क्या आता है मेरे पास, 9 का मल्टीपल, और अगर जब मैं सम करता हूँ तो 11 का मल्टीपल। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स इज 99, तो द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड इट रिवर्स इज 99, व्हाट आई नो सम प्लस, सॉरी, व्हाट आई नो इज नंबर प्लस नंबर का रिवर्स विल बी 11 का मल्टीपल, राइट। तो 11 का कौन सा मल्टीपल है, 99, तो कैन आई से सम ऑफ द डिजिट्स will be nothing but 99 upon 11 or 9, right? तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ x plus y is nothing but 9.
हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर देयर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो टू डिजिट नंबर कैन बी 9 एंड 0, राइट, सम इज 9 एंड दिस इज अ टू डिजिट नंबर, 8 एंड 1, 7 एंड 2, एंड आई कैन गो अप टू वेयर, आई कैन गो अप टू 1 एंड 8. ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक 0 एंड 9, दिस कैन नॉट बी टेकन. सो 0 से लेके यहां तक जा सकता हूं. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 9 नंबर्स. तो 9 सच नंबर्स आर देयर, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 7. ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 7. ओके, इट्स यूनिट डिजिट इज 3 लेस देन इट्स टेंथ डिजिट. ओके, तो मुझे 7 बनाना है. यूनिट डिजिट इज 3 लेस देन द टेंथ डिजिट. तो अगर ये 0 है तो ये 3 है, राइट. अगर ये 1 है तो ये 4 है, अगर ये 2 है तो ये 5 है. 7 कब बनेगा? इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा. उसने क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर. प्रीटी इजी क्वेश्चन, 52, राइट. आगे बढ़ते हैं. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 9. तो आई कैन से x plus y plus z is equal to 9. When 99 is subtracted, okay. तो पहले 3 डिजिट नंबर का हम समझ लेते हैं कि कैसे चलता है. तो आई जस्ट टेल यू. तो एक 3 डिजिट नंबर को, अगर जैसे अभी हमने वो लिखा था, तो मेरे पास हंड्रेड्स प्लेस है, मेरे पास टेंस प्लेस है, मेरे पास वंस प्लेस है, राइट. मान लो अगर मेरे पास नंबर है 321, तो इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ. इस नंबर को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1. ऐसे लिखते हैं हम यूनिटरी यूनिट्स में जब ऐसे बांट देते हैं. तो मान लो अगर ये है x, y एंड z, तो आई कैन से x इंटू 100 प्लस y इंटू 10 प्लस z. ओके, तो 3 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स. तो आई कैन से 100x प्लस 10y प्लस z माइनस ऑफ 100z प्लस 10y प्लस x, ठीक है. ये क्या कर रहा हूँ, मैं 3 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100z माइनस 10y माइनस x, राइट. ओके, माइनस एक्स. तो 10y माइनस 10y कट गया. ओके, 100x में से x गया, कितना बचा, 99x माइनस 99y 99z सॉरी. तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट 99x माइनस z. तो एक 3 डिजिट नंबर और नंबर का रिवर्स का डिफरेंस. तो एक 3 डिजिट नंबर, नंबर माइनस नंबर का रिवर्स, कैन आई से इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 99, राइट. 99 का कौन सा मल्टीपल, जो उनकी यूनिट और वंस, सॉरी 100 और वंस डिजिट में जो डिफरेंस होता है. 99 का वो मल्टीपल जो 100 और वंस डिजिट में डिफरेंस होता है, राइट. ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका. एक मिनट वो भी सुन लो कि एडिशन में क्या होगा. तो अगर मैं कहूँ 100x प्लस 10y प्लस z प्लस 100z प्लस 10y प्लस x, तो आई कैन से 101x प्लस 20y प्लस 101z. 101 प्राइम नंबर है, बीच में ये आ रहा है, तो आई क्या, मैं कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकता इसमें, ठीक है. तो आई से नो पैटर्न फॉलोज, नो पैटर्न फॉलोज. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन नाउ. The sum of the digits of a 3 digit number is 9. So x plus y plus z is nothing but 9. When 99 is subtracted, so what I know is number minus number ka reverse, ye hota hai 99 ka multiple. Aur ye 99 times x minus z hota hai, which is given as 99. So x minus z is equal to 1. So units and 100 place mein 1 ka difference hai. Okay? तो व्हाट आई नो इज यूनिट्स एंड 100 प्लेस में 1 का डिफरेंस है. तो हम कौन कौन से नंबर बना सकते हैं, आई कैन से दिस इज एक ये नंबर हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इन दोनों में 9 का डिफरेंस है और बीच में 8 आ गया. और क्या बना सकते हैं, 1 और यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा,
और 7 हो गया हमारे पास, बचा कितना 6, राइट। और क्या बना सकते हैं हम, 3 बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम नंबर्स बना सकते हैं। पूछा क्या है उसने, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर, तो ऑब्वियसली दिस दिस कैन नॉट बी द नंबर, व्हाई, बिकॉज इसका रिवर्स होगा 081 विच इज नॉट अ 3 डिजिट, नॉट 3 डिजिट, राइट। तो आई कैन से दिस इज द लीस्ट नंबर, तो माय लीस्ट नंबर इज 261, 261 माइनस 99 इज नथिंग बट 162, तो क्या मेरा लीस्ट नंबर 162 नहीं होना चाहिए था। देखो अगर मैं 162 में से 99 माइनस करूंगा तब मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन 99 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट द रिजल्टिंग नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर, राइट। तो रिजल्टिंग नंबर इज अ माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वही 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, जो कि 162 के केस में नहीं होगा। तो माई आंसर इज 261, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चंस ऑन रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होती है ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है मेरे पास, ए बी सी डी आर फोर फ्रेंड्स, ए हैज सम मैंगोज विद हिम, लेट्स से ए के पास एक्स मैंगोज थे, ठीक है, और ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग बी सी डी। ओके, ए ने बी को दिया, फिर सी को दिया, फिर डी को दिया, ठीक। टू बी ही गेव हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज एंड 5 मोर, तो बी के देने के बाद ए के पास कितना बचा वो निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्स था, हाफ ऑफ एक्स बी को दे दिया उसने और 5 और दे दिए, तो हाफ ऑफ एक्स से 5 कम बचे होंगे इसके पास, लेट्स सी ये वाई होते हैं, अब ये वाई बचे हैं, ठीक है। टू सी ही गेव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो सी को देने के पास ए के पास कितना बचा होगा, 1/3 दे दिया, तो 2/3 ऑफ रिमेनिंग बचा एंड 4 मोर, तो इससे 4 कम बचा, लेट्स से दिस इज जेड। अब उसके बाद उसने डी को दिया, तो डी को कितना दिया उसने, 1/4, तो इसके पास कितना बचा, 3/4 ऑफ जेड एंड 3 मोर, तो इससे 3 कम, और यही हमको दे रखा है। नाउ ही हैज 15 मैंगो, तो उसके कितने बचे, 15, तो यहां से कैन आई से 3/4 जेड इज इक्वल टू 18, राइट। सो दिस इज 1, दिस इज 6, जेड इज नथिंग बट 6 को 24, नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज 24, तो 24, तो कैन आई से 2/3y इज इक्वल टू 28, सो दिस इज 14, y इज इक्वल टू 14 इनटू 3, दैट इज 42, राइट। तो y इज नथिंग बट 42, तो 1/2x इज इक्वल टू 42 प्लस 5, दैट इज 47, राइट, एंड x फाइनली इज 47 इनटू 2, दैट इज 94 आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ दिस इज वी आर गेटिंग। सो ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे जो लीनियर इक्वेशंस में या सिंपल इक्वेशंस में पूछे जा चुके हैं पहले, और अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास तुम्हें समझ में आई होगी, ये प्योर बेसिक्स था और ये आगे के लिए बहुत काम आएगा। तो आगे आने वाले सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स होंगे उनमें हम अलग अलग तरीके तो जरूर सीखेंगे, पर अगर कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है कि नहीं हो पा रहा है, रेशियो नहीं लग पा रहा है उसमें, या परसेंटेज डायरेक्ट नहीं लग पा रहा है, या फिर जो भी हम चीज़ सीखेंगे वो नहीं लग पा रही है, तो द अल्टीमेट वेपन दैट वी हैव इज इक्वेशंस। तो डू प्रैक्टिस इक्वेशंस अलॉट, तो इसमें तुम्हारा एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह ये तुम्हारे काम आएगा, तो यू शुड हैव एन एक्सपर्टीज इन दिस, राइट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बाय बाय।